करके नहीं आ रही। केंद्र में भाजपा की सरकार है, इन्होंने एक तरीके से जो लोकतंत्र में परंपराएं हैं और हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, हमें बोलने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। आम जनता की बात अगर हम देखें, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार जो हैं वो सड़कों पे उतरते हैं तो उनके प्रति भी अमानवीय व्यवहार किया जाता है, पीटा जाता है। चाहे महिलाएँ हों, किसान हो, ना सड़क पर हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जनता, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है हमारी विधानसभा और हमारी जो संसद है, जब जनता अपने नेताओं को चुनकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए संसद में भेजती है तो कितने दुख की बात है कि चुने हुए प्रतिनिधि वो भी अपनी आवाज़ वहाँ पर नहीं उठा सकते। तो ऐसा तो इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अगर संसद में लोग, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप बताइए कहाँ उठा सकते हैं। ऐसा लोकतंत्र में ऐसा क्यों हो रहा है? लोकतंत्र की परंपराओं को कमज़ोर करने का काम क्यों किया जा रहा है? ये जो सब कुछ चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है, ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन एक लोकतंत्र की जो परंपरा है, इस स्वस्थ परंपरा को जीवित रखना हर एक भारतवासी का कर्तव्य बनता है, हर एक एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। आज समय आ गया है कि सभी लोगों को, हर नागरिक को, अगर हमारे अधिकार हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं, तो हमें अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना है।